वैली किधर है? है वैली किधर है? किधर वैली? वैली इधर है नहीं। हमेशा मेरे रास्ते में आती है। घूमने का मज़ा ना ऐसी जगह पे आता है। बाकी जगहें ठीक है, बढ़िया होते हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं है, गिनती के 6 से 7 घर हैं इस पूरे एरिया में, साथ में वैली है, वहाँ पे मैं नहीं जा पाया, रात को आपको मैंने बताया था। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो आज है हमारा day 3 और हम आपको लेके जाने वाले हैं यहाँ पे, जिस जगह पे हम स्पेशली आए थे, अनएक्सप्लोर्ड, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। ये जगह का नाम है वारवन। वारवन थोड़ी सी ऊपर जाके वारवन वैली आता है, वहाँ पे रात को स्टे करने का ऑप्शन होता है, बट हम नहीं कर पाए क्योंकि रात को वो बता रहे हैं कि काफ़ी ठंड थी बाकी डेज के कंपैरेटिवली, इसी वजह से उन्होंने टेंट्स नहीं लगाए थे तो हमें होटल लेना पड़ा। सिर्फ 2 होटल्स हैं, एक जिस पे मैं रह रहा हूँ ये वाला है, और एक ये जो बाबा का ढाबा लिखा हुआ, अगर आपको दिखाई दे रहा हूँ ये बाबा का ढाबा लिखा हुआ है, ये एक होटल है। सो मैंने किया ये वाला ले लिया। सो कोई नहीं है टूरिस्ट, मैं अकेला हूँ यहाँ पे टूरिस्ट, बाकी जो यहाँ के गांव के लोग हैं, और यहाँ पे ट्रक्स ही चलते रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक बार हम नीचे जाते हैं, चाय पीते हैं और उससे पूछते हैं कि यहाँ पे ट्रक्स इतने क्यों चलते हैं और यहाँ के बारे में कुछ पूछते हैं। चलो लेट्स गो, इसके बाद आपको वारवन वैली भी लेके जाता हूँ। उससे पहले यार आसपास का व्यू तो देख लो, स्नो कवर्ड माउंटेन्स के बीच में है ये होटल्स। बात कर रहा है स्नो कवर्ड माउंटेन्स की, यहाँ से शुरू होते हैं। ये देखो, ये पूरा स्नो कवर्ड है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे ग्रीनरी है, और देन आपको दिखाता हूँ इस तरफ, और इस तरफ भी सारा पीछे की साइड स्नो कवर्ड माउंटेन है। सो इस तरफ, इसके पीछे भी स्नो कवर्ड होंगे बट यहाँ से दिख नहीं रहे, विजिबल नहीं है। सो भी भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ये स्नो मैं दिखा रहा था आपको, यहाँ पे जो पड़ी है ये सारी, ये कल रात को पड़ी है, परसों कल दिन तक यहाँ पे थोड़ी ऊपर थी स्नो। सो अभी नीचे भी आ गई है। सो मौसम एकदम चिल्ड है, तो एक बार उनको बुलाते हैं, उनके उन्होंने चाय बनवाई है मेरे लिए, तो एक बार बुला के यहाँ के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे इतने कम लोग क्यों हैं और जो गांव है वो कहाँ पे है, क्योंकि उन्होंने बताया ये जो रूट है जहाँ से मैं आया था, यहाँ से थोड़ा आगे जाओ तो गाँव आ जाते हैं। ये जरा ये बताओ कि यहाँ पे इतने ट्रक्स क्यों रहते हैं? यहाँ इसलिए रहते हैं कि ये सामान कुछ लाते हैं यहाँ, और जब ये यहाँ है आज तो कुछ सामान शामान लेके आता है यहाँ, और चावल शावल। अच्छा, जो यहाँ का अनाज वो सारा लेके आते हैं? वो सारा तो रोज लेके आते हैं, रोज लेके आते हैं, रात को भी दिन को भी बेचारा। हाँ, क्योंकि मैं रात को लेट हो गया था तो रात को भी सारे ट्रक आ रहे थे। हाँ सर, हाँ। तो यहाँ पे सामान आता है, पूरी रात भर चलता रहता है यहाँ पे सामान आना। सो इसी वजह से यहाँ पे ट्रक्स। और गांव कितने हैं यहाँ पे? यहाँ 15 गांव हैं। 15 गांव हैं? 15 गांव हैं यहाँ पे। कुल 15 गांव में कितने लोग रहते होंगे? ये पता नहीं, 500-600। हाँ 500-600, हाँ अप्रोक्सीमेटली इतने होंगे। तो 500-600 लोग रहते हैं इस जगह पे। सो जगह बहुत अच्छी है लेकिन ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही होटल्स हैं। 2 होटल्स हैं तो टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं आते होंगे। हाँ, तो आना शुरू करो यहाँ पे भी, ऐसी जगह। सिर्फ लेह लद्दाख में कुछ नहीं रखा, इन जगह ये भी जगह बहुत अच्छी है। तो अभी लेके चलता हूँ आपको वैली पे। ये 2-3 गाँव हैं, ये देखो, ये गाँव है। लेट्स गो, सामने देख लो स्नो कवर्ड माउंटेन कितने प्यारे लग रहे हैं, और धूप आ गई है तो और अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने आज वार्मर भी पहना हुआ है, वार्मर टी शर्ट भी पहनी है और वार्मर पैंट भी पहनी है। सो जर्नी इज स्टिल ऑन। यहाँ से कल हम आए थे जो थी हमारी जम्मू से, और यहाँ से ये होटल था और यहाँ से ये वारवन का रूट है। एक ये रेस्टोरेंट है कश्मीरी वजान,
और एक और बात बताऊं तो यहाँ पे ना जितने भी ये बोर्ड्स लगे हैं सारे उर्दू में लगे हैं, तो मुझसे कुछ भी नहीं पढ़ा जाता, तो उसके लिए सॉरी कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या लिखा है। ये रूट जाता है वारवन वैली के लिए। सो रुको जरा, मुझे फ़ोन चार्जिंग पे लगाना है। सबके ऊपर देखो रेड मार्क लगा हुआ है, तो मैंने पहले भी चेक किया था कि किसी पे रेड क्रॉस लगाया होता है तो पहचान के लिए उन्होंने। सो रात को यहाँ बारिश आई थी तो यहाँ हल्की हल्की सड़क गीली है, लेकिन बाकी जगह जो ऊपर देखोगे ना वहाँ स्नो पड़ी है। यहाँ पे हर कोई मुझे ही देख रहा है। सो अभी मुझे किसी ने बताया कि वैली आगे है थोड़ा सा, तो एक बार जाते हैं वैली पे, नज़र मारते हैं कि कैसी है ये वैली बनी हुई। वैली किधर है? वैली किधर है? किधर? वैली वैली इधर है नहीं। अच्छा, इसके आगे क्या है? इसके आगे पानी में चलता ना, इसके आगे मारगड़ी। अच्छा मारगड़ी गांव है? गाँव। अच्छा वहाँ चल के जाना पड़ेगा? ओके। आप किधर रहते हैं? मैं तो दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आया? हाँ जी हाँ जी जी। मैं अकेला आया हूँ। कहाँ तक जाएगा? मैं यहाँ आज कल रात को आया था। अच्छा। तो नीचे वारवन रुका, अब आज मैं श्रीनगर जाऊँगा। हाँ। श्रीनगर यहाँ से कितना है? 200 होगा? 400 पड़ता। अच्छा 400 किराया पड़ता। अच्छा ठीक है। अच्छा आप यही रहते हो? हाँ। तो मैं एक घर देखना चाहता हूँ, देख सकता हूँ अंदर से? क्यों नहीं देख सकते? है ना? हाँ। तो एक बार मैं यहाँ दिखा के ना फिर आपके साथ घर पे चलता हूँ। हमारे घर में आ जा। चल ठीक। ये है आखिरी ऐसा गांव जहाँ पे कोई रोड जाती है इसके। हाँ जी, बसमिना गाँव है ये। सो ये गाँव का नाम है बसमिना। इसके आगे की जो रोड है वहाँ पे मारगड़ी गांव है, वहां पे बाइक नहीं जा सकती, वहां के लिए आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। और लोग काफ़ी हैं यहां पे, आप देखोगे तो आपको दिखेगा, लोगों से ज़्यादा भीड़ बकरियां बहुत है। सो ये है अनएक्सप्लोर्ड कश्मीर। सो अभी देखो तो यहां पे पानी भी पीछे से जो सा ग्लेशियर है वो बह के पानी सारा यहां से आ रहा है, और ये ऊपर की स्नो, ये कल रात को पड़ी है काफ़ी काफ़ी स्नो। जो कल मैंने देखी थी थोड़ी बहुत थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। एक काम करता हूँ, आपको ना फ़ोन से जूम करके दिखाता हूँ जो उनसे स्नो लेटेस्ट पड़ी है। सो अभी यहाँ पे यहाँ तक गाड़ी आ गई। अब इसके आगे का जो सामान है, जो बसमिना गाँव है, तो वहाँ पर ये यहाँ से लेके जाएंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रमानी। मोहम्मद इरमानी? मोहम्मद रमजान वानी। मोहम्मद रमजान वानी। हाँ। सो अंकल के घर पे जा रहे हैं, देखते हैं अंदर से कैसे होते हैं, क्योंकि मैंने कभी विजिट नहीं किया है कश्मीर के घर में। हाँ। सो ये सारे वुडन के बने होते हैं। तो सर्दियों में आप यहाँ पे होते हो या? हाँ, नीचे यहीं पे? यहीं पे रहते हो? हाँ, तो सारा स्टोर करते हो? हाँ। काम ही यहाँ पे टूरिस्ट होगा, वो भी गर्मियों में आता होगा, सर्दी में। सर्दी में नहीं। अभी तो बर्फ पड़ा है ना? हाँ जी, ये कल रात को पड़ा है ना काफी बर्फ। कल रात को, साल में बहुत सर्दी है। सो ये है इनका घर। सो यहाँ पे भी आपका सोलर लगा होता होगा? हाँ। ये इनका रूम है, मैं शूज पहने हुए तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ये इनका रूम है, ये वॉशरूम होगा या ये दूसरा कमरा? ओके, दो रूम है। सो ये टू रूम्स है। सो अंदर तो बहुत ठंड होती होगी सर्दियों में, बुखारी जलाते हो? बुखारी लगाते हो। सो सर्दियों में यहाँ बुखारी लगाई जाती है और यहाँ पे रहा जाता है। सो ये जो उनसे ये जैसे खुला हुआ है, ये कवर कर देते हो? हाँ, ये खुला हुआ है। अच्छा, ये अभी खुला हुआ है, सर्दियों में तो कवर होगा? सर्दी में ये बंद हो जाता है। सही है।
किचन भी इधर, जूता निकालो किचन को। अच्छा किचन भी इधर ही है? हाँ इधर। एक मिनट मेरे को जूता उतारना मुश्किल होगा। आप ऐसे आप निकालो इसी तरह आ जाओ इधर। नहीं ऐसे नहीं, नहीं नहीं वो उतारना मुश्किल होगा। इसी तरह आ जाओ इधर। आ जाओ पक्का? गंदा है इसको क्या फर्क है। अच्छा ये किचन है, ओके वहाँ चूल्हा लगा होगा। हाँ वहाँ चूल्हा, यहाँ चूल्हा लगा हुआ है नीचे। सो ये भी गैस सिलेंडर तो यहाँ नहीं होते हैं? है तो होता मगर अभी वो निकाल कर। अच्छा सिलेंडर यहाँ निकाल के वो सर्दियों में रखते होंगे? सर्दियों में सिलेंडर सर्दियों में यूज होते हैं, अभी यहाँ पे गर्मियों में नॉर्मल यूज होते हैं। चलो ये है कश्मीर की कुछ ऐसी जगहें जिनके बारे में ना आपने कभी देखा है ना आपने कभी सुना है। विरमानी गांव, आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना था बट आज मैं आया हूँ। बहुत प्यारी लोकेशन है, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं इंस्टाग्राम पे, जाके देखना ज़रूर। ये फ़ोटोज़ आपको कहीं नहीं मिली होंगी ये मेरी गारंटी है। सो यहाँ पे अभी भी सारे बैठ लगे हुए हैं। इसके आगे का दूसरा गांव है, पीछे पूरी स्नो कवर्ड माउंटेंस है। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, फटाफट से फ़ोटोज़ कुछ क्लिक करिए वो रखते हैं और दो तीन क्लिक करते हैं और हम चलते हैं आगे अपने कश्मीर की तरफ। एक आखिरी गांव जो मैंने आपको दिखाया ऑन अ सेफर साइड, उन्होंने मुझे बताया कि आप जहाँ से जाओगे ना वहाँ पे थोड़ी स्नो पड़ी होगी रात को ही, तो थोड़ा सा देख के जाना पड़ेगा, वेट करना। कुछ लोग आएंगे जो आपकी जो गाड़ियाँ जा रही होंगी उनके साथ निकल जाना। तो जो प्रॉपर वैली बनी हुई है ना वो है ये वाली लोकेशन, ये है प्रॉपर लोकेशन जो वैली बनी हुई है। यहाँ से पीछे से देखोगे तो ये है राइट। सो यहाँ पे भी एक दो फोटो बनती हैं। ऊपर स्नो है, है? ऊपर स्नो होगा। नहीं दिल्ली जा, वहाँ श्रीनगर जाना है। ऐसे तो आज नहीं जा पाओगे। क्यों? आज स्नो होगा। बहुत ज्यादा है? ज्यादा भी नहीं होगा लेकिन ठीक ठाक होगा। लोगों के साथ जो जा रहे होंगे टू उनके साथ निकल सकते हैं ना? जब गाड़ियाँ निकलेगी ना। हाँ हाँ तब निकलना है, ऐसे नहीं निकलना। ठीक है वहाँ पहुँच के रुक जाऊंगा, गाड़ियाँ तो जाती रहेंगी। ठीक है ठीक है, थैंक यू।